ऊपर से नीचे तक बीजेपी से सजे पानीपत नगर निगम सदन का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और मेयर समेत सभी बीजेपी पार्षदों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन हुआ। कल से ये सभी पूर्व हो जाएंगे और सारी पावर सरकार की प्रतिनिधि निगम कमिश्नर के हाथ में आ जाएंगी। देखिए 5 साल बाद खास ये आम हुए पानीपत की लोकल सरकार के प्रतिनिधि। प्रदेश में 5 साल पहले इन्हीं दिनों में 5 नगर निगमों के चुनाव में सभी जगह मेयर बीजेपी के बने थे। तब भी लोकसभा चुनाव नजदीक थे, अब फिर आ गए हैं। 5 साल पहले जो मेयर और पार्षद चुनकर आए थे वो अब पूर्व हो गए हैं या एक आध दिन में हो जाएंगे। बुधवार को पानीपत नगर निगम के 26-3 निगम पार्षदों, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर का विदाई समारोह हुआ। पानीपत के निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और बाकी तमाम अधिकारी इन्हें निगम की ओर से विदाई देने पहुंचे। पानीपत की लोकल सरकार के इन पार्षदों को देखिए जब ये बोलने मंच पर आए। इनमें कोमल सैनी ने सबको प्रभावित किया। आज ये विदाई समारोह है तो इसमें शायद माफी भी मांगेंगे क्योंकि आप लोगों से बहुत लड़ाई झगड़े भी किए हैं हम लोगों ने, तो उसके लिए क्षमा भी चाहेंगे क्योंकि हमारा काम भी ऐसा था कि आपसे लड़ना झगड़ना भी जरूरी था, तो लड़ाई झगड़ों के लिए माफी। और जो मेरे पार्षद साथी हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने अपनी बेटी के रूप में, किसी ने बहन के रूप में साथ निभाया, बहुत अच्छा साथ दिया, सिखाया। मेरा तो ये पहला ही कार्यकाल था, उससे पहले मैं एक अध्यापिका के रूप में काम करती थी एसडी विद्या मंदिर स्कूल में, जहाँ पे हमने बच्चों को वो शिक्षा दी कि जो देश के लिए काम आए। और वहाँ सेवा करते करते फिर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं नगर निगम में जाकर अपने समाज की सेवा कर सकूं। गौरतलब है कि सदन का कार्यकाल पूरा होने पर अब सारी पावर कमिश्नर के हाथ में होगी। विदाई समारोह में सीनियर डिप्टी मेयर और करीब आधा दर्जन निगम पार्षद नहीं पहुंचे। और हाँ, प्रदेश के 11 नगर निगमों जिनमें अभी मानेसर में पहला चुनाव भी नहीं हुआ, बाकी 10 नगर निगमों में पानीपत नगर निगम ही ऐसा था जिसमें 26 निर्वाचित और मेयर के डायरेक्ट चुनाव में यानी सभी 30 नुमाइंदे बीजेपी से थे। चुनाव में कांग्रेस के भी 2 पार्षद जीते थे, वो भी तब बीजेपी में शामिल हो गए थे कि हमारी कहाँ चलेगी। लो, पानीपत नगर निगम वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा। 15 कमिश्नर साहब हमारे यहाँ पे आए, पता नहीं क्यों आए गए, हमारी कमियाँ थी या क्या कमी रही उसका मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी कि कमिश्नर साहब आते गए जाते गए, लेकिन आज कमिश्नर साहब का भी 1 साल का कार्यकाल यहाँ पे पूरा हुआ है और बहुत ही सुंदर एक सौगात हमारे को देने के लिए जा रहे हैं ये एग्रो मॉल। पानीपत तो निश्चित तौर पर मेयर अमित कौर की अगुवाई में सभी पार्षद भाइयों बहनों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही इस 5 साल के दौरान एक विश्वव्यापी समस्या जो हम सबके समक्ष आई थी कोविड कोरोना के दौरान। पानीपत की मेयर अवनीत कौर भी अब पूर्व महापौर हो गई। हालांकि अंत में कमिश्नर ने सभी को आश्वस्त किया कि आपके काम पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। सबके साथ रिलेशन ऐसा बन गया है कि लाइफ टाइम तक रहेगा। शगुफ्ता मैडम बैठे हैं जिन्होंने वैसे भी मुझे पढ़ाया है और इन 5 सालों में भी मुझे पढ़ाया है और आज भी मेरी शिकायत की है, तो ऑलवेज आप मेरी टीचर बनकर ही रहना। आगे फ्यूचर गॉड नोज कि किसका कहाँ पर है, पर जो कोई भी होता हमें मिलेगा, लेकिन सबसे पहला होता आपका टीचर का रहेगा और मेरा स्टूडेंट का रहेगा। यहाँ पे जितने भी पार्षद है वो बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ काम कराना चाहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। और उनके साथ मैं आज आपका हाउस खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पे रहूँ या नहीं रहूँ, अगर मैं पानीपत से कभी भी निकला तो आप में से अगर कोई मुझे मिला या कहीं भी मिला तो मेरे लिए और आपके लिए वही रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। मतलब एक ना एक दिन तो जीवन में सभी का कार्यकाल खत्म होता है, आज इनका भी हुआ और अब पते की बात। 5 साल पहले बनी पानीपत की लोकल सरकार का कार्यकाल आज खत्म हो गया और विदाई पार्टी हो गई। उधर दिल्ली और चंडीगढ़ की हैट्रिक की लड़ाई भी अब तेज होगी। ये भी कि पानीपत नगर निगम सदन में पार्षदों की जिम्मेदारी से जो लोग आज मुक्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा है कि वो दल बदल करेंगे। इसी का नाम राजनीति है।
कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, ब्यूरो।